Mantras of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसा कि हम plant respiration study कर रहे हैं, plant respiration में हमने दो lectures over कर चुके हैं, जिसमें हमने थोड़ा बहुत almost 30-40% plus respiration हमने पढ़ लिया है. Okay, ये basically cellular respiration के बारे में study कर रहे हैं कि cell level पर respiration कैसे होता है. क्लियर. जब हम प्लांट जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब उसी रेस्पिरेशन को हम ऑर्गन लेवल पे पढ़ेंगे, बिकॉज एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए एक लाइक एक डिफरेंट ऑर्गन उसके लिए होते हैं, लेकिन प्लांट में ऑर्गन लेवल तक कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता. प्लांट में बेसिकली टिश्यू लेवल तक का डिफरेंशिएशन पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम सेल लेवल पे रेस्पिरेशन की स्टडी करते हैं. प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने बेसिकली रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन की बेसिकली सेल की नीड क्या होती है. क्लियर. एंड रेस्पिरेशन बेसिकली प्रोसेस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है. क्लियर. रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस सिस्टम एंड क्रैब साइकिल. ओके, सिक्वेंशियल में अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड द ईटी सिस्टम, ये तीन सिस्टम होते हैं जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन से कनेक्टेड होते हैं. क्लियर. फिर उसके बाद हमने ग्लाइकोलाइसिस को ओवर किया. ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाना. ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने के बाद में पारुविक एसिड बनता है, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. क्लियर. दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. क्लियर. इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किन किन स्टेप्स के ऊपर एटीपी बनता है, किन किन स्टेप्स के ऊपर NADPH2 बनता है. ओके. एंड इसके अलावा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है. क्लियर. इनका मीनिंग क्या होता है, अगर ग्लूकोज को सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है देन रेस्पिरेशन ईटीएस सिस्टम की तरफ मूव करता है. अगर किसी भी रीजन से बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ ग्लूकोज इज नॉट रिसीविंग द सफिशियंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन देन ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पाथ डाइवर्ट हो जाता है एंड देन इट मूव टू द टुवर्ड्स अ फर्मेंटेशन. क्लियर. इफ ग्लूकोज इज गेटिंग इफ द सेल इज गेटिंग अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन द ऑल थ्री स्टेप्स विल अकर इन अ सिक्वेंशियल मोड. क्लियर. इफ ग्लूकोज और सेल इज नॉट गेटिंग अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, then Krebs cycle will not occur, sequentially ETS will also not occur, then fermentation will start instead of both of the steps. क्लियर हो गया आपको. एंड फर्मेंटेशन के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है एंड बेसिकली फर्मेंटेशन से क्या क्या फर्मेंटेशन में स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर. नाउ आज का जो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, दैट लेक्चर इज बेस्ड ऑन द फेट ऑफ द पायरुविक एसिड एंड क्रैब साइकिल. फेट ऑफ पायरुविक एसिड, इट मीन्स पायरुविक एसिड दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज. क्लियर. जब पायरुविक एसिड बन जाता है तो उसके पास में दो रास्ते होते हैं. इफ सेल इज रिसीविंग और गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रैब साइकिल में. क्लियर. इफ सेल इज रिसीविंग लाइक सेल इज गेटिंग द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, देन वही पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ मूव करता है. तो इट मीन पायरुविक एसिड के पास में दो रास्ते हैं, एक हो गया आपका एरोबिक सिस्टम में, दूसरा हो गया एनारोबिक सिस्टम में, विच इज सिमिलर टू द फर्मेंटेशन. क्लियर. फिर उसके बाद में इफ सेल इज मूविंग टुवर्ड्स द लाइक मूविंग टुवर्ड द क्रैब साइकिल, इफ द सेल इज रिसीविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द सेल, देन रेस्पिरेशन विल मूव टू द क्रैब साइकिल. ओके, सो वो भी आज हम स्टडी करेंगे. नाउ इट इज अ बेसिकली समरी ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. इस समरी में मैंने जस्ट इन्वॉल्व किए हैं कि किन किन स्टेप्स के ऊपर एटीपी और NADH2 का फॉर्मेशन होता है. एग्जैक्टली व्हाई आई लाइक प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ समरी, बिकॉज कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक किस स्टेप्स के ऊपर NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस में किस स्टेप के ऊपर NADH2 का फॉर्मेशन होता है, एट विच स्टेप एटीपी आर फॉर्म्ड. सो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे फेस इन द ग्लाइकोलाइसिस. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू समरी. क्लियर. नहीं, अगर आप देखेंगे फर्स्ट द एपीटी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स, इससे होता है ना कि जब किसी प्रोसेस में हम थोड़ा पैसा लगाते हैं जिससे फिर आपको आपको दूसरी साइड से आपको मनी अर्न होती है. तो सेम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में दो पॉइंट्स के ऊपर एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है. पहला होता है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन, और फिर फ्रेक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रेक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट का कन्वर्जन. तो यहाँ पे एटीपी आता है और एटीपी से
जो फॉस्फेट होता है ग्लूकोज रिसीव कर लेता है एंड ग्लूकोज रिसीव करने से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. सेम हियर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी को यूज करता है और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है. सो ये बेसिकली टू इन्वेस्टमेंट स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में. इसके अलावा ये तीन स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल पे जो एटीपी का फॉर्मेशन है एंड ये दूसरा स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव लेवल पे जो फॉस्फोरिलेशन होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही स्टेप है जहाँ पे आपको ऑक्सीडेटिव लेवल पे फॉस्फोरिलेशन मिलेगा जब ग्लिसरेलिएट 3-फॉस्फेट 1,3-bisphosphoglyceric acid में convert होता है by using of this coenzymes. clear? by using of this coenzyme जब NAD इस steps के ऊपर जब glyceraldehyde 1,3-bisphosphoglyceric acid में convert होता है, clear? तो वो ये coenzyme use, ये basically dehydrogenase enzymes use करता है, clear? so यहाँ पे NAD प्लस आपका NADH2 में convert होता है, मतलब यहाँ पे NADH2 बनता है जो कि further अगर वो क्रैब्स साइकिल के बाद ETS पे गया तो ये आपको 3 ATP देगा. क्लियर, नाउ फिर उसके बाद में 1,3-bisphosphoglyceric एसिड से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है. देखिए 1,3-bisphosphoglyceric एसिड मतलब 1st और 3rd कार्बन के ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप एसोसिएट है तो उससे एक ATP निकल जाता है, तो सिर्फ 3rd कार्बन पे आपका 3rd कार्बन पे ही आपका ATP रह जाता है, फर्स्ट पोजीशन से ATP रिमूव हो जाता है. Now, the एक स्टेप है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड का बनना, यहाँ पे भी एक एटीपी बनता है. ओके, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मतलब इसमें फॉस्फेट है जो कि बेसिकली आपका फर्स्ट पोजीशन पे होता है, वहां से एटीपी निकल जाता है और एटीपी निकल जाने के बाद में पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर हो गया, सो ये बेसिकली स्टेप्स है जहां पे एटीपी और NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था इन द ग्लाइकोलाइसिस. क्लियर, नाउ व्हाई ग्लूकोज फॉस्फोरिलेशन इज रिक्वायर्ड. एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर ग्लूकोज के फॉस्फोरिलेशन की एक्जेक्टली रिक्वायरमेंट क्यों होती है. वैसे आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, देन वो एक अपनी एक्टिविटी शो करते हैं. जैसे कि प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन बहुत स्टेप्स में आपको मिलेगा, जब प्रोटीन फॉस्फोरिलेटेड होता है देन वो अपोप्टोसिस स्टार्ट करता है. क्लियर, एंड इसके अलावा अपोप्टोसिस है और सेल ग्रोथ डिवीजन जब तक नहीं होता जब तक प्रोटीन उसमें फॉस्फोरिलेटेड ना हो. तो आपको याद हो तो जो CD के एंजाइम्स होते हैं, क्लियर, साइक्लिक डिपेंडेंट जो एंजाइम्स होते हैं, ये जो बेसिकली इनका जो प्रोसेस होता है जब तक ये फॉस्फोरिलेटेड नहीं होती प्रोटीन, जब तक कि वो एक लाइफ जीवन से अगर एस में जाना है तो सबसे पहले प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट होना होगा, जब ही वो एक नेक्स्ट स्टेप में मूव कर सकते हैं. तो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन यहाँ क्यों रिक्वायर्ड है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक एनिमेशन है आपके सामने. आपको जो सेल दिख रही है ये एक सेल है जिसके ऊपर एक ग्लूटफो रिसेप्टर है, एंड वी नो ग्लूटफो रिसेप्टर करता है क्या है. ग्लूटफो रिसेप्टर बेसिकली सेल के अंदर और ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बैलेंस रखता है. क्लियर, ग्लूकोज को बैलेंस रखता है कि जब भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है देन ग्लूकोज इस ग्लूटफोर रिसेप्टर से पास होता हुआ मतलब ब्लड से. देखिए इसके सेल के चारों तरफ क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज इस रिसेप्टर से होता हुआ अंदर आता है. क्लियर, ठीक है, ग्लूकोज इस रिसेप्टर से होता हुआ अंदर आता है. अब जब ग्लूकोज अंदर आता है तो होता क्या है कि ग्लूकोज जब अंदर आता है तो चांसेस होते हैं कि ग्लूकोज रिवर्ट कर जाए मतलब सेल से बाहर आ जाए. तो क्या करता है उसी को इस प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसको इररिवर्सिबल बनाने के लिए एटीपी उसके साथ बाइंड अप हो जाता है. ओके, तो ये चांसेस होते हैं कि रिवर्सिबल हो जाए, तो इसको इररिवर्सिबल बनाने के लिए ग्लूकोज उस फॉस्फेट उसके साथ बाइंड अप हो जाता है और ग्लूकोज फॉस्फेट बन जाता है. अब ग्लूकोज जब फॉस्फेट बन जाता है तो फॉस्फेट बन जाता है तो उसके बाद में वो ग्लूकोज वापस नहीं जा पाएगा, तो इसलिए जब भी ग्लूकोज सेल में एंट्री करेगा उसका फॉस्फोरिलेशन जरूरी है. क्लियर, जब ग्लूकोज जब ग्लूट फोर एग्जैक्टली देखिए ग्लूकोज ये जो ग्लूट फोर होता है ये जो ग्लूट फोर रिसेप्टर है ये एक रिवर्सिबल सिस्टम पे काम करता है. अगर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ग्लूकोज सेल के अंदर आ सकता है तो सेल से वापस भी जा सकता है, लेकिन फिर जब इसका फॉस्फोरिलेशन हो जाता है जब ग्लूट फोर अलाउ नहीं करता. क्लियर हो गया, now the phosphorylation of glucose after it ends inside after its entry in a cytoplasm result in the glucose 6 phosphate and once it convert into the glucose 6 phosphate that molecule trap within a cell. okay, now the fate of the pyruvic acid, jo hum padhenge ki fate kya pyruvic acid ka. glycolysis we know like it's occur in a cytoplasm, if oxygen is present then further reaction occur in a mitochondria. agar glycolysis basically cytoplasm mein hota hai
अगर ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है देन जो फर्दर रिएक्शंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लियर। वैसे जैसे कि मोस्ट ऑफ प्रोफोटोसिंथेटिक जो एंजाइम होते हैं क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, इंपॉर्टेंट रुबिस्को एंजाइम जो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के फॉर्म में अवेलेबल है, क्लियर हो गया। सो वैसे ही इसलिए अगर ग्लाइकोलाइसिस तो क्या साइटोप्लाज्म में हो गया क्योंकि वहां पे इतना ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके, अगर आपको फर्दर अगर एरोबिक प्रोसेस परफॉर्म करना है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, मान के चलिए कि अब दोनों कंडीशन देखते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नहीं है। मान के चलो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पाइरूविक एसिड क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर रहा है। अब एंट्री करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। एंड वी नो कि आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट पुट अ फोकस ऑन मी। अब दो मेम्ब्रेन होती है तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या है कि पाइरूविक एसिड आया और वी नो लाइक आउटर मेम्ब्रेन इज अ परमिएबल फॉर मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो अलाउ कर देगा, ठीक है तुम जाओ भाई। लेकिन जैसे ये क्या है, ये आउटर है, ये इनर है, ये क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, तो आउटर के बाद यहाँ तो आ गया, ठीक है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती, बहुत लाइक इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, परमेबल होती है लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल है, क्लियर हो गया। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है क्रैब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, ठीक है, ये आउटर हो गया, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, ये इनर हो गया और ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और क्रैब साइकिल यहाँ होने वाला है, मतलब इसको एनी हाउ ये इनर मेम्ब्रेन तो क्रॉस करनी पड़ेगी। अब ये इनर मेम्ब्रेन में क्रॉस करने के लिए क्या करता है, एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं कोएंजाइम। तो पाइरूविक एसिड कोएंजाइम से बाइंड अप करता है और एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारे डिहाइड्रो एग्जैक्टली दो टाइप के एंजाइम्स काम करते हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, क्लियर हो गया। तो पहले आप ये देखिए करते हैं क्या है कि यहाँ पे पाइरूविक एसिड था जो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन जो आपका जो क्रैब साइकिल है वो तो ही परफॉर्म होने वाला है, ठीक है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में परफॉर्म होने वाला है, इसलिए यहाँ पे पाइरूविक एसिड, ये पाइरूविक एसिड है तो ये कोएंजाइम है, ओके, ये कोएंजाइम से बाइंड अप कर लेता है और कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। पाइरूविक एसिड बेसिकली तीन कार्बन का स्ट्रक्चर था, इससे एक CO2 रिमूव हो जाता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है दो कार्बन का, क्लियर हो गया। तो इसकी जो रिएक्शन होती है गेटवे रिएक्शन बोलते हैं, पाइरूविक एसिड की कोएंजाइम के साथ रिएक्शन होती है गेटवे रिएक्शन बोलते हैं, और ये कहाँ होती है, इनर ये होती कहाँ होती है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्लियर। पाइरूवेट जो ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है साइटोसोल में, वो बेसिकली अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंट्री करने के लिए उसको बेसिकली एंट्री करने के लिए उसको एंट्री करने के लिए उसको अब कोएंजाइम से रिएक्ट करना पड़ता है। इसके लिए जो कुछ इसके लिए बेसिकली मैंने बोला, इसके लिए दो एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं। एक एंजाइम होता है, देखिए यहाँ पे दोनों एंजाइम्स के बारे में दिया गया है, एक है पाइरूविक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम और दूसरा होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स, ठीक है। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या, पाइरूविक एसिड तीन कार्बन का स्ट्रक्चर है, उससे एक CO2 निकल गया तो मतलब दो कार्बन का स्ट्रक्चर बना, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, दो कार्बन का स्ट्रक्चर बना। फिर डिहाइड्रोजनेस एंजाइम भी आ जाता है, दोनों एंजाइम काम करते हैं, उसे दो हाइड्रोजन को निकाल के उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं आपके कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि एसिटाइल अब दो कार्बन का स्ट्रक्चर है। और एसिटाइल कोएंजाइम बेसिकली करता है क्या, ही एसिटाइल ग्रुप एसोसिएट कर देता है अपना, और एसोसिएट करने के बाद में फिर वो क्रैब साइकिल में एंट्री करता है, क्लियर। अभी इसके हम इक्वेशन देखेंगे आपको, और देखिए जो मैंने आपको बोला वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इक्वेशन मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली है, जहां पे पाइरूविक एसिड ओके कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और एनईडी जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है वो कन्वर्ट हो जाता है अब एसिटाइल कोएंजाइम में। अब यहाँ पे देखिए दो एंजाइम बेसिकली काम करते हैं, एक ही मेंशन है पाइरूविक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम एंड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसके डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होने से Na2+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2, दो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए उसने, क्लियर, और इससे एक CO2 निकल जाता है। तो ये तीन कार्बन का स्ट्रक्चर है, अब मतलब ये दो कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया है, मतलब इसके साथ के एसिटाइल, इसके साथ एसिटाइल ग्रुप एसोसिएट है, CH3CO ग्रुप एसोसिएट है कोएंजाइम के साथ में, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मेशन होता है और इसमें आयंस की रिक्वायरमेंट होती है Mg+2, ठीक है। दिस इज द एरोबिक कंडीशन, सो दैट्स द गेटवे रिएक्शन जो इन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। तो देखेंगे अब यहाँ पे भी NADH2 बना है, मतलब इस गेटवे रिएक्शन में जो NADH2 बना है, अगर ATS सिस्टम चला तो देन इस NADH2 से भी तीन ATP बनते हैं, क्योंकि एक NADH2 से तीन ATP बनते हैं, क्लियर हो गया। सो एसिटाइल कोएंजाइम दैट एंटर ए साइक्लिक पाथवे, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्ल भी बोलते हैं, मोर कॉमनली कॉल्ड एज ए क्रैब साइकिल,
ओके After the scientist Hans Krebs who first investigated and इसके ये इन्हें नोबेल प्राइज मिला था ठीक है नेट 2018 में क्वेश्चन आया था व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अब मैंने आपको बोला था कि हम सारे क्वेश्चन लास्ट में कवर करने के बजाय टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करेंगे आप ओके व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट सो आपके सामने स्टेटमेंट है ओके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द एनएडी दैट कैन पिक अप बाय हाइड्रोजन एटम बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस उतना लॉन्ग टाइम तक चलता है जब तक कि उसे एनएडी अवेलेबल हो रहे हैं क्लियर नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल बिल्कुल सही है एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बिल्कुल सही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक प्लेस इन द आउटर मेंड्रिकल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस चलता है आपका इनर मेम्ब्रेन में क्लियर ये आउटर मेम्ब्रेन में नहीं चलता क्लियर तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है ये जो चीज मैंने आपको बोला ये मैं आपके एक छोटे से एनिमेशन समझाना चाहता हूँ वो देख लीजिए कैसे एक सेल है इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ओके जो न्यूक्लियस के बाहर है अब ये आपको जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए एक ये जो आपका है ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है क्लियर अब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म परफॉर्म हो चुका है जिसका एंड प्रोडक्ट पाइरूविक एसिड बना अब ये पाइरूविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करना चाहता है क्लियर ठीक है अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके बीच का जो है पोर्शन वो है पेरिमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस हमको पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं ठीक है क्रिस्टल जिसे बोलते हैं ओके अब जैसे कि पाइरूविक एसिड है ये पाइरूविक एसिड आउटर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जैसे कि पाइरूविक एसिड है आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए पेरिमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में आ जाता है बट वो अब वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्रॉस नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा वो बेसिकली करेगा क्या कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और कोएंजाइम से रिएक्ट करने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा अब एसिटाइल कोएंजाइम के एसिटाइल ग्रुप जैसे कोएंजाइम के साथ बाइंड अप करता है अब वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाता है अब यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम है फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम सॉरी फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में अब मूव कर पाता है क्लियर हो गया तो ये छोटा सा एनिमेशन से मैंने आपको समझाया क्लियर हो गया नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ये कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल नहीं है ये वर्सेटाइल प्रॉपर्टी शो करता है ठीक है ये वर्सेटाइल प्रॉपर्टी शो करता है बेसिकली इसका जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में है लाइक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को बनाना हो लिपिड को बनाना हो प्रोटीन को बनाना हो तो बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम हेल्प करता है क्लियर सिर्फ इसका रोल ही है कि सिर्फ रेस्पिरेशन में ही रोल है उसका स्टीरॉइड सिंथेसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करना हो तो ये हेल्प करेगा क्लियर हो गया टीसीए साइकिल चलाना हो हमें देखा टीसीए साइकिल चलेगा लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना हो तो मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे दोनों आ जाते हैं मतलब लिपिड को ब्रेक लिपिड ब्रेक करके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको ब्रेक अगर रेस्पिरेशन में जरूरत है लिपिड की तो वो ब्रेक उसके लिपिड में जो बेसिकली फैटी एसिड होता है वो फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है सेम अगर आपको उस एसिटाइल कोएंजाइम से लिपिड का सिंथेसिस करना हो तो भी पॉसिबल है क्लियर एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी सेम है मतलब प्रोटीन में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद में फिर वो टीसीए साइकिल में एंट्री करते हैं अगर प्रोटीन को डिसोशिएट होके क्रेब्स साइकिल चलाना हो तो अगर इनके सिंथेसिस भी करना हो तो एसिटाइल कोएंजाइम अगर प्रोटीन को सिंथेसिस करना है तो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया मान के चलो ठीक है अब वो मान के चलो कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया और ग्लाइकोलाइसिस के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम बन गया अब एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल से बाहर निकल के ठीक है जो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है एसिटाइल कोएंजाइम इससे बहुत सारे प्रॉपर्टी शो करता है ओके नेक्स्ट मेलाटोनिन सिंथेसिस ये बेसिकली हार्मोन है जो कि स्लीप एंड वेक एक्टिविटी के साथ एसोसिएट होता है इस हार्मोन का फॉर्मेशन कर सकता है एसिटाइलकोलाइन सिंथेसिस ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें इसके फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है तो एसिटाइल कोएंजाइम की बहुत सारी वेरियस प्रॉपर्टी होती है क्लियर एम्स 2007 में इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टेड लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिक लिंक कौन सी है? एसिटाइल कोएंजाइम, ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड, पाइरूविक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो रियल आंसर क्या है आपको ही पता है, एसिटाइल कोएंजाइम। नाउ मान के चलिए कि एरोबिक सिचुएशन नहीं है, क्लियर। अब दूसरी सिचुएशन में पढ़ते हैं कि अगर भैया ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनारोबिक होगा। एनारोबिक बेसिकली इट मींस फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां तो एरोबिक रेस्पिरेटरी एंजाइम रिस्पॉन्स वहां पे प्रेजेंट है। तो वो जो अब आपका जो एनारोबिक कंडीशन है इट मींस वो सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो सकती है। तो जैसे कि फर्मेंटेशन बेसिकली होता है, इसमें बेसिकली जो ईस्ट होता है, ईस्ट हमें पता है कि एक तरह की फंगस है जो इस फर्मेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लियर। ईस्ट को कमर्शियल लेवल पे भी यूज किया जाता है, ओके, फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, इस जो बेसिकली फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। ये हम पढ़ेंगे जब ईस्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अभी नहीं, बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। Fermentation is basically incomplete oxidation of glucose achieved under the anaerobic condition by set of reaction where pyruvic acid is converted to the CO2 and ethanol. देखिए fermentation में अगर in case fermentation चल गया तो fermentation में दो type के product बन सकते हैं, lactic acid बन सकता है, ethanol बन सकता है। So ethanol बनाने में ये help करते हैं, clear? अगर commercial level में बनाना है तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल हाइड्रोजनेज एंजाइम्स हेल्प करते हैं अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो, क्लियर। इसके अलावा अगर इन केस कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं पाइरूविक एसिड से, तो उस वक्त जो एंजाइम होगा वो होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ना होने के लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, क्लियर। सो इन ए सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज क्या होता है कि जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यूसली तो उस वक्त सेल्स में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, और जब सेल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाने से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर हो गया। और इसकी वजह से कुछ टाइम के बाद में उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से वो धीरे धीरे ऑर्गन फैटिक की तरफ मूव करने लग जाता है, क्लियर हो गया। तो इसलिए जो पर्सन एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, क्लियर हो गया। यस, एंड इसमें रिड्यूसिंग एजेंट होता है NADH2। आप देखिए वहां पे अगर आप देख रहे थे जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप्स है वहां पे NAD+ कन्वर्ट हुआ था NADH2 में, दैट इज ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपके रिडक्शन होता है, NADH2 कन्वर्ट होता है NAD+ में। तो अब वहां देखिए अगर आप तो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बन रहा था जो कि आपको कुछ समय के बाद में 3 ATP देने वाला था, ठीक है, मतलब एक प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ तो वो NADH2 NAD में कन्वर्ट हो गया, मतलब 3 ATP का तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया। मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH2 बने थे वो NADH2 यहाँ यूज हो जाते हैं, ETS पे जा नहीं पाते। मतलब जो 3 ATP ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाले थे ETS पे जाके वो ATP यहाँ यूज हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये बेसिकली अनफेवरेबल सिचुएशंस में ऐसा होता है, क्लियर, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो। सो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि वह एनर्जी का लॉस होता है, क्लियर। ने 2010 में इस रिलेटेड क्वेश्चन था, एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सब्सट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। आपके सामने आंसर्स हैं स्क्रीन के ऊपर, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन हम बेसिकली फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ ही रहे हैं। सो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे NAD+ है, क्लियर। तो यहाँ पे NAD ग्लाइकोलाइसिस में तो NAD+ आता है और H2 को लेके बाहर निकलता है NADH2 के फॉर्म में, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब तो उसमें भी वही आ गया जो एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे मतलब तीनों का स्टेप से तो होगा ही, एरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है, क्लियर। फोटो रेस्पिरेशन में भी आता है। अब फर्मेंटेशन बचा, देखिए फर्मेंटेशन में NAD+ बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, NADH2 आया और उसने NAD+ बनाया, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन रहा है, दैट्स द आंसर इज फर्मेंटेशन, क्लियर। ये बेसिकली मैंने डायग्राम बेसिकली आपके NCERT से लिया है, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, क्लियर। देखेंगे यहाँ पे आप ग्लूकोज से ये तो आपको पता ही है, ग्लिसराइड लिया, 3-फॉस्फेट बना, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, फिर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बना, फिर पाइरूविक एसिड बना। तो यहाँ तक तो भैया हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब काका आगे होता क्या है कि अब दो स्टार्स बन सकते हैं, आइदर इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, क्लियर। ध्यान रखना
जब पाइरुवेट एसिड से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है तो साथ में CO2 बनता है, लेकिन लैक्टिक एसिड के साथ में CO2 नहीं बनता है। क्लियर? ये छोटा सा ही सिर्फ एक मार्क है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, मान के चलिए पाइरुविक एसिड से क्या होता है कि, देखिए वैसे अगर आप देखिए, मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ, उस प्रोसेस से आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे जो पर्सन अल्कोहल लेते हैं, ओके, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो क्या होता है, अल्कोहल बेसिकली एनर्जी का ही सोर्स है। जब हमारी बॉडी, हम आप अल्कोहल लेते हैं, कोई भी पर्सन जब अल्कोहल लेता है, जब लीवर में क्या होता है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ही, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, एक बहुत अच्छा एंजाइम है ये, दोनों टाइप के काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, दोनों ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या होता है कि जब अल्कोहल लेते हैं तो वो अल्कोहल हमारे लीवर में जाता है, अब वो एनर्जी का सोर्स है, तो मतलब उसे एनर्जी चाहिए, तो लीवर क्या करता है, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजन एंजाइम रिलीज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में। फर्दर एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, एक तरह की एल्डिहाइड, ये थोड़ी सी टॉक्सिक केमिक कंपाउंड होता है, तो इसको फर्दर एसिटिक एसिड प्लस CO2 में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। क्लियर? वरना क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड टॉक्सिक कंपोनेंट है, वो अदर प्रोटीन के साथ को प्रोटीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब एसिटिक एसिड बन गया, मतलब एसिटिक एसिड बन गया एसिटिक एसिड प्लस CO2, ओके, फिर फर्दर एसिटिक एसिड और CO2 से उसको ब्रेक डाउन करके आप उसे एनर्जी ले सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे उल्टा मैकेनिज्म है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे इथेनॉल बनना है। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल बनना है, तो जो मैंने आपको बताया वो इथेनॉल को ब्रेक डाउन समझा है, यहाँ इथेनॉल का बनना हुआ। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, इथेनॉल का बनने हुआ प्रोसेस हुआ, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि पाइरुविक एसिड सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें एंजाइम जो बेसिकली काम करता है, वो एंजाइम काम करता है डिकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे मैंने दो एसिटाल्डिहाइड इसलिए लिखे हैं, बिकॉज़ दो मोड ऑफ पाइरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, सो दो CO2 रिलीज हो गए, ओके, और दो मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज NaDH2 आता है, ओके, और हाइड्रोजन देके NAD+ बाहर निकल जाता है, सो बनता है इथेनॉल। तो क्लियर हो गया ये आपको? तो यहाँ पे दो एंजाइम काम कर रहे हैं, डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। आप लैक्टिक एसिड, अब यहाँ देखेंगे आप, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 नहीं निकल रहा, लेकिन लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, सॉरी। अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत अच्छा एंजाइम है, दोनों टाइप के काम कर सकता है, ओके, वो मतलब ये ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर सकता है, रिडक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, जब ये डिहाइड्रोजनेज, तो ये तो हाइड्रोजन रिमूव करना चाहिए ना, ये तो हाइड्रोजन दे रहा है, लेकिन आपके पास बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं है। ये मैंने इसलिए मैंने ये एक छोटा सा रिमार्क यहाँ पे मैंने रख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ADH एक ऐसा एंजाइम है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज फैमिली का एंजाइम है, जो दोनों तरह के परफॉर्मेंस कर सकता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है, उसे हाइड्रोजन लेके एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, व्हाइल इट कैन ऑपरेट रिवर्स रिएक्शन आल्सो, इट मींस वो एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल का भी फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर? नेट 2018 में क्वेश्चन था कि किस प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए, ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको भी, इसका आंसर आपको पढ़ते ही आ गया होगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनिमल प्लांट दोनों में ही होगा, अल्कोहल फर्मेंटेशन में CO2 आपके सामने, लैक्टेट फर्मेंटेशन में नहीं हो रहा है। अब क्या होता है कि आप जैसे हम चार्ट को पढ़ते हैं तो कभी कभी कोई ना कोई पॉइंट्स मिस हो जाता है। अब जनरली होता है कि बच्चों का ध्यान नहीं जाता कि CO2 लैक्टिक एसिड के साथ रिलीज नहीं हो रहा, माइंड में तो आता है फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज कैसे हो सकता है, ओके, तो इसलिए अल्कोहल फर्मेंटेशन में हो रहा है, लैक्टेट फर्मेंटेशन में नहीं हो रहा। क्लियर? Now, ये तो हमने पढ़ा बेसिकली फर्मेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा, और पाइरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्जन पढ़ा, गेट वी रिएक्शन पढ़ा, तो फर्मेंटेशन में कभी गेट वी रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? सो अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्रैब्स साइकिल, इसका दूसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसके तीन नाम है, तीनों नाम मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। क्लियर? ओके, क्रैब्स साइकिल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो वैसे ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा एम्फिफोलिक नेचर का समझाने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझाऊंगा, इसका एम्फिफोलिक नेचर होता है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट 2009 में। फिलहाल आप क्रैब्स साइकिल समझिए होता क्या है। ठीक है, देखिए पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पाइरुवेट आपका 3 कार्बन का था, वहां पे को एंजाइम आया, और जिसमें को एंजाइम आया जिसने इसको कन्वर्ट कर दिया एसिटाइल को एंजाइम ए में।
जिससे CO2 निकल गया, क्लियर, और NADH2 बाहर निकल गया। मतलब यहाँ डिहाइड्रोजन एंजाइम ने काम किया, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने काम किया और 3 कार्बन के स्ट्रक्चर को 2 कार्बन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंट्री ले चुका है एंड देन इट परफॉर्म ए साइकिल। देखिए साइकिल में जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म होगा, ये देखेंगे यहाँ पे ये साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नहीं था, ये साइकिल है, देखिए सर्कल में चल रहा है, मतलब ये खत्म नहीं होता, चलता रहता है ये प्रोसेस, क्लियर हो गया। और इस प्रोसेस में बहुत सारे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मोस्ट ऑफ प्रोसेस में आप देखेंगे एटीपी इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है इन ऑलमोस्ट स्टेप्स के अंदर। अब चलते हैं आगे, सॉरी नाउ देखिए अब क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम अपना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट करने वाला है। मैं सबका मतलब समझाऊंगा पता क्या है, ओके। तो क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम का सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, ठीक है। आप अभी देखेंगे, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में इक्वेशन दी हुई है लेकिन उस इक्वेशन को ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया हुआ, मैं इसलिए आपको वहीं पे समझा रहा हूँ। एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होता है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल आके इससे एसोसिएट होता है और वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होने के साथ में SHCOA मतलब कोएंजाइम बाहर निकलता है एक हाइड्रोजन लेके, क्लियर, और इससे बनता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो कि 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब ये एग्जैक्टली क्या हुआ, देखिए ये ऐसे नहीं बनेगा, एक चीज बताना रहेगा आपको, एसिटाइल कोएंजाइम वाटर के साथ, देखिए आपको कंफ्यूजन क्या होगा, 2 कार्बन का स्ट्रक्चर 6 कार्बन में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ, मतलब 2 कार्बन का ये 4 कार्बन का ये फिर बना के ये सिट्रिक एसिड बनता है, क्लियर हो गया। और ये सिट्रिक एसिड ही साइकिल में चलता है, इसलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें एसोसिएट होते हैं सिट्रिक एसिड में, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। नाउ सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है सिस अकोनोटिक एसिड में और फर्दर आपका आइसो सिट्रिक एसिड में, ठीक है, ये जो सब एक कन्वर्जन है जिसके लिए एकोनिटिस बेसिकली सिस एकोनिटिस एंजाइम, सिस एकोनिटिस एंजाइम उसकी हेल्प करता है, दैट दिस इज आइसोमेरेज कन्वर्जन और कुछ नहीं किया, मतलब सिर्फ जस्ट कन्फर्मेशनल चेंज किया, मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट किया, बॉन्डिंग रीअरेंजमेंट किया। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत जगह डैश डैश छोड़ दिया गया है, दिख रहा है आपको, ये डैश इसलिए छोड़ दिया गया कि ये आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया, ठीक है। तो मतलब मैंने ये जो डैश है ये डैश में कवर कर रहा हूँ आपको, ये सारे डैश में कवर करूंगा, क्लियर। तो समझ में आ गया, सिट्रिक एसिड बेसिकली आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया एकोनिटिस एंजाइम के हेल्प से। नाउ अब आइसोसिट्रिक एसिड जो अब कन्वर्ट हुआ ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड में, क्लियर, ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब फिर उसके बाद में ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड के कन्वर्ट होने के बाद में अब यहां से एक CO2 रिलीज होता है, सॉरी, अब ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड, देखिए ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड बन गया, सेम इट इज आल्सो कंफर्मेशनल चेंजेस हुए इसके अंदर और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एकोनिटिक हो गया, आइसोसिट्रिक हो गया, ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड हो गया, जस्ट कंफर्मेशनल चेंजेस हुए और कुछ नहीं हुआ है, क्लियर हो गया। अब ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड से एक CO2 बाहर निकला, क्लियर हो गया। अब जैसे कि एक CO2 बाहर निकला मतलब एक कार्बन अब कम हो गया, मतलब 5 कार्बन की कोई स्पीसीज आने वाली है, और ध्यान रखना ये सब मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहे हैं क्योंकि 2 पाइरुविक एसिड ने एंट्री किया था, साथ साथ डिहाइड्रोजन एंजाइम भी आया और उसने कन्वर्ट किया एक स्पीसीज अल्फा ग्लूटारिक एसिड, यहाँ देखिए, और ये लिखा रखा है 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, ये देखिए ये बीच के स्टेप्स उन्होंने गैप कर दिए, तो ये सारे वो बीच के स्टेप्स हैं, क्लियर हो गया। और ये अल्फा ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का होता है और मतलब ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का है, तो क्रैब साइकिल में जो लास्ट 6 कार्बन की जो ऑर्गेनिक एसिड है वो है ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड, क्लियर, अल्फा ग्लूटारिक एसिड बन गया। अब अल्फा ग्लूटारिक एसिड, अब यहाँ देखिए इसके बाद में सारे स्ट्रेस में डॉट 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 कर दिया, वो भी समझ लीजिए, अल्फा ग्लूटारिक एसिड से फिर एक CO2 निकलता है, मतलब अब एक CO2 निकलने का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, फिर एक NAD+ आया, NADH2 में कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम्स में, ओके, यहाँ पे कोएंजाइम से अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पे कोएंजाइम भी एंट्री करता है, ओके, वो मेंशन नहीं कर पाया यहाँ पे कोएंजाइम भी आता है और कोएंजाइम इसमें एंट्री करता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। फर्दर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम कहीं ना कहीं बन रहा है, अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम से
सक्सिनाइल जो को एंजाइम है, इस सक्सिनाइल को एंजाइम में जीडीपी, ओके जीडीपी ग्वानिन, ये ध्यान रखना ऐसे एटीपी होता है ना वैसे ही जीडीपी होता है, एडीपी जैसे होता है वैसे ही जीडीपी होता है, बस वहां पे एडिन, वहां पे जो था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है, अब वो जीडीपी आता है और जीडीपी एक फॉस्फेट निकल लेके निकल जाता है और अब बन गया सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड बन गया, अब सक्सिनिक एसिड से क्या होता है, अब यहाँ पे एफएडी प्लस आता है और उससे कन्वर्ट होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सक्सिनिक एसिड के बाद में सीधा मैलिक एसिड दे रखा है और इसके इसके स्टेप्स को डॉट 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 डाल दिया है। ओके तो बेसिकली एफएडी और एफएडीएस2 ये वैसे ही जैसे एनएडी और एनएडीएस2 थे, सेम सी चीज स्पीसीज है, चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस नेम चेंज हो गया, ठीक है, नेम उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है बट काम एक ही करते हैं, ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स ही होते हैं। फिर फर्दर फ्यूमेरिक एसिड से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है और वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होने के बाद में बनता है आपका मैलिक एसिड। यहाँ देखिए मैलिक एसिड बन गया, फ्यूमेरिक एसिड है, अब इस फ्यूमेरिक एसिड से यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया और बन गया मैलिक एसिड। अब उस मैलिक एसिड के बाद में यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे एनएडी प्लस आता है, एनएडीएस2 का फॉर्मेशन आता है और उसे ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनता है जो कि चार कार्बन का है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक निकल चुका था, एक CO2 निकल चुका था, चार कार्बन की स्पीसीज बन गई। अब ये फोर कार्बन की स्पीसीज दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम से एसोसिएट होती है और सिट्रिक एसिड बनता है, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो इट मीन्स एग्जैक्टली क्या है, इस साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड है, इस साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड है। तो ये साइकिल जब तक चलता है जब तक एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सलोएसिटिक एसिड मिलता रहता है, जैसे ऑक्सलोएसिटिक एसिड को ऑक्सलोएसिटिक एसिड को बेसिकली लाइक सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सलोएसिटिक एसिड मिलना बंद हो गया, वहीं पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ऑक्सलोएसिटिक एसिड ये बेसिकली चार कार्बन की स्पीसीज होती है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एसोसिएट होकर सिट्रिक एसिड बनाती है, फिर सिट्रिक एसिड ये साइकिल में चलता रहता है, मतलब ब्रेकडाउन होता चलता है। देखिए ब्रेकडाउन का एक ही सिर्फ यहाँ फंक्शन है कि एनर्जी बनाना, एनर्जी कंपोनेंट रिलीज करना। तो यहाँ पे एनर्जी कंपोनेंट के फॉर्म में देखेंगे अगर आप, तो NADH2 बने, FADH2 बने, GTP बना, तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पे। क्लियर हो गया, अभी हम थोड़ा और उसको देख लेते हैं। हाँ यस, 2017 में क्वेश्चन आया था, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्रैब साइकिल। आपके सामने क्वेश्चन है, there are the three points in a cycle where NAD plus reduce to the NADH2, मतलब यहाँ पे ऐसे साइकिल में तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, ये इसको मत कन्वर्ट कीजिए, गेटवे रिएक्शन है, ठीक है, आपका जो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्रैब साइकिल सिट्रिक एसिड से, तो ये तो गेटवे रिएक्शन है, इसको मत इन्वॉल्व कीजिएगा। एक दो तीन, तो तीन जगह पे NADH2 बन रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे FADS2 बनता है, तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट पे बन रहा है FADS2, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड एक जीडीपी बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सक्सिनिल को एंजाइम से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ जीडीपी का फॉर्मेशन होता है। साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द पाइरूविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। यहाँ पे आप देखेंगे को एंजाइम का जब कंडेंसेशन होता है तो उससे सिट्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ देखेंगे एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन हुआ और उसने सिट्रिक एसिड का the cycle start with the condensation of acetyl group with a pyruvic acid to yield citric acid. देखिए ये statement wrong है, कैसे है देखिए, the cycle जो basically start कैसे होता है, जब acetyl group का condensation होता है with pyruvic acid to yield citric acid, that's wrong, because acetyl coenzyme pyruvic acids acetyl coenzyme pyruvic acid से react नहीं करता, acetyl coenzyme तो pyruvic acid से बनता है, clear हो गया। तो इसका बेसिकली इसका क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, एग्जैक्टली होता है क्या है, एसिटाइल को एंजाइम कंडेंसेशन होता है एंड रिएक्ट करता है ऑक्सलोएसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है, और फिर आपका सिट्रिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका पाइरूविक एसिड की जगह ऑक्सलोएसिटिक एसिड आना चाहिए था, तो मतलब आपका फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर, जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपके सारे पॉइंट्स आपको समझाए थे वो सारे पॉइंट्स वैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि टीसी साइकिल का कंडेंसेशन होता है, ऑक्सलोएसिटिक एसिड बनता है, क्लियर, फिर उसका एंजाइम सिट्रेट बेसिकली सिट्रेट सिंथेटिस एंजाइम इसमें हेल्प करता है, क्लियर, एंड फिर एक मॉलिक्यूल होता है सीओ का रिलीज हो जाता है, देन फिर सिट्रेट होता है आइसोमराइज होकर आइसोसिट्रेट में बनता है, ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है कि आपका ये फर्दर होता है क्या है कि आपका अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड बनता है, ओके अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड बनता है, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, फिर उसके बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सिनिल कोएंजाइम
ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीलोएसिटिक एसिड में और साइकिल कंटिन्यू होता है। उन्होंने क्या बहुत सारे स्टेप बीच में मिस किए हुए हैं, मैंने सारे स्टेप्स वहाँ समझा दिए, तो प्लीज जो जो मैंने समझाया था पॉइंट बाई पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स को उन्होंने हाइड कर दिया है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल को एंजाइम जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एजीटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, क्लियर। ओके, एक यहाँ पॉइंट दिया है कपल रिएक्शन। कपल रिएक्शन में उन्होंने क्या लिखा है कि जीडीपी जो बेसिकली क्या होता है जीडीपी में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद में जो एनर्जी बनती है जो जीडीपी जीडीपी में कन्वर्ट हुआ मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर दिया, अब वो फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ बाइंड अप होकर एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ये कपल रिएक्शन होती है। अब मैं इस कपल रिएक्शन को थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं 2007 में क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स except one which is located in an inner mitochondrial membrane in a eukaryotes and in a cytosol of the prokaryote, this enzymes is. Enzymes आपके सामने हैं, lactate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, malate dehydrogenase and आपका succinate dehydrogenase. ये आपके सामने चार enzymes आपके सामने यहाँ पे हैं। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है succinate dehydrogenase. Because succinate dehydrogenase इसलिए यहाँ पे आंसर दिया, because succinate dehydrogenase एक mark enzyme होता है जो इनर मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड अप होता है। देखिए सारे एंजाइम्स इसके मैट्रिक्स में होते हैं, क्रैब्स साइकिल के मैट्रिक्स में होंगे सारे एंजाइम्स, बट एक ही ऐसा एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन एंजाइम जो इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है जो एक मार्क एंजाइम होता है, क्लियर हो गया। उसका आंसर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, क्लियर हो गया। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज अगर आप देखें तो इस स्टेप में अगर आप देखेंगे ओके सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है और यहाँ फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द कपल रिएक्शन। देखिए कपल रिएक्शन होता क्या है, ये दो रिएक्शंस होती है साइमल्टेनियसली चलती है, जैसे मान के चलिए कि साइमल्टेनियसली चलती है, जैसे क्या होता है कि मान के चलिए ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और जब ए से बी का फॉर्मेशन हुआ और उससे कुछ एनर्जी निकल गई, अब वो एनर्जी सी लेता है, मान के चलो फॉर एन एग्जांपल दो रिएक्शन चल रही है ए से बी सी ए से बी और सी से डी, ए से बी से जब एनर्जी निकल ए से कुछ कंपाउंड ब्रेक हो रहा है और बी में कन्वर्ट हो रहा है और जब कंपाउंड ब्रेक होता है तो एनर्जी निकलती है, अब क्या हुआ उस एनर्जी को सी ने लिया और डी का फॉर्मेशन कर दिया, तो इट मीन ये कपल रिएक्शन है। जैसे क्या होता है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट कॉमन होते हैं और कॉमन होने में एनर्जी बेसिकली ट्रांसफर होती है वन साइड ऑफ रिएक्शन टू द अनदर साइड, ओके जिसे बोलते हैं कपल रिएक्शन। बेसिकली दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, दूसरी होती है एंडरगोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन बेसिकली फेवरेबल होती है, एंडरगोनिक रिएक्शन अनफेवरेबल होती है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब कहने का मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप हो सकती है और वो उसी कंडीशन में होती है जब सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ज्यादा हो, क्योंकि क्या होता है कि सबस्ट्रेट के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि किसी कंपाउंड का जो ब्रेकडाउन होता है, कंपाउंड का जो किसी भी जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हाइड्रोलाइसिस जितनी भी रिएक्शन है वो हाइड्रोलाइसिस हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है, क्लियर। जैसे कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे आप देखेंगे तो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस में एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो H2O सॉरी के साथ में जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एडीपी बनता है, क्लियर हो गया, एडीपी बन गया और एडीपी के साथ में फास्फेट ग्रुप एसोसिएट है और लाइक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल गया, क्लियर। तो इसमें जो डेल्टा जी का मतलब है यहाँ पे फ्री एनर्जी का जो ग्रेडियंट है माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि अगर आपको अपने बहुत बार मैंने आपको दिखाया है कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वहाँ पे सब्सट्रेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होती है, तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी ग्रिप फ्री एनर्जी की वैल्यू जैसे जी की वैल्यू यहाँ पे है, सब्सट्रेट की यहाँ पे है, प्रोडक्ट की यहाँ पे है, तो आप डेल्टा जी निकालेंगे तो माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू -30 kg है क्लोज हुई। एंडरगोनिक रिएक्शन देखेंगे, ये रिएक्शन उल्टी होती है, इनमें मतलब एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो तो एनर्जी रिलीज करती है। इन रिएक्शंस में क्या होता है प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी होती है सब्सट्रेट से बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन करना है, ठीक है। अब ग्लूकोज देखिए जहां बॉन्ड्स बनते हैं वहां तो एनर्जी देनी पड़ती है और जहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं वहां तो एनर्जी रिलीज होती है, जहां बॉन्ड बन रहे हैं वहां तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जब भी बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एसोसिएशन होना, ग्लूकोज फॉस्फेट बना, जैसे कि इसमें डेल्टा जी की वैल्यू देखेंगे तो प्लस में है, क्यों प्लस में है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सब्सट्रेट से बहुत ज्यादा है, क्लियर।
ठीक है। अब कपल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कपल रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो अगर इन केस दोनों रिएक्शन को हम एक साथ जोड़ते हैं, देखिए वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, एटीपी से एडीपी बन रहा था, ठीक है, यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो एडीपी का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां पे डेल्टा जी माइनस में था। अब वो जो जो एनर्जी निकली, जो फॉस्फेट निकला, वो फॉस्फेट को ग्लूकोज ने ले लिया, क्योंकि फॉस्फेट तो एनर्जी है, तो उसको ग्लूकोज ने ले लिया। अब वो जो ग्लूकोज ने ले लिया, अब ग्लूकोज फॉस्फेट बन गया, समझ में आ रही मेरी बात, ग्लूकोज फॉस्फेट बन गया, और वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप वहां देखेंगे, यस, डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप यहां देखेंगे तो -30 केजी है, और यहां पे आप देखेंगे तो यहां +14 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे -16 केजी, मतलब एटलीस्ट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई। अब आप दोनों का अगर नेट कर दें, एक्सोथर्मिक आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और एंडरगोनिक रिएक्शन है, अगर आप दोनों का नेट कर दें तो केवल -16 केजी एनर्जी की ही जरूरत पड़ेगी कपल रिएक्शन में, ओके, तो ये रिएक्शन में स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो जाएगा, वरना क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सेल को अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उनको देनी पड़ती है। अब सेल अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी देगा तो सेल को और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्लियर, तो बर्डन तो सेल सिस्टम पे पड़ेगा, मेटाबोलिज्म पे पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, कपल रिएक्शन को फॉलो करते हैं, एक जो एनर्जी निकल रही है उसको यूज कर लेते हैं। अगर मान के चलो एटीपी से जो हाइड्रोलाइसिस से एडीपी बना, एनर्जी निकल गई, अगर उस एनर्जी को ग्लूकोज में यूज ना किया होता तो वो एनर्जी वेस्ट ही जाती, ग्लूकोज ने आप यूज कर लिया ना, और वो आप इसकी जो जब ग्लूकोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को यूज किया, तो ये दोनों मिला के अब जो नेट रिएक्शन हो गई वो नेट हो गया एक्सोथर्मिक इफेक्ट, तो डेल्टा जी की वैल्यू कम हुई लेकिन माइनस में आ गई, और माइनस में आने का मतलब है कि प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब सबस्ट्रेट के पोटेंशियल एनर्जी से कम हो गई, क्लियर। यस, जो क्रैब साइकिल में मैंने आपको समझाया वो सब कुछ और कुछ डिटेल यहाँ पे वो लाइंस और लिखी हुई है, अब 3 पॉइंट्स होते हैं जहां एनएडी एनएडीएच2 में कन्वर्ट होता है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहां एफएडीएच2 का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। कंटीन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम वाया टीसीए साइकिल रिक्वायर अ कंटीन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सलो एसिटिक एसिड व्हिच इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल, मैंने आपको वही बोला, जब तक साइकिल को ओओए मिलता रहेगा जब तक चलता रहेगी साइकिल, अगर वही रुक गया तो बीच में वही साइकिल रुक जाती है, क्लियर। In addition, it also require a regeneration of NAD and FAD plus NADH and FADH2 respectively. क्या होता है कि क्रैब साइकिल में जब तक उसको देखिए जैसे NADH2 बना वो ETS पे जाके हाइड्रोजन को निकाल देगा और वहां से फ्री होकर दोबारा आ जाएगा, तो वैसे FADH2 जो क्रैब साइकिल में बना वो ETS पे जाएगा, अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और FAD plus फॉर्म में वापस आ जाएगा, तो ये रिन्यू होते रहते हैं, तो इसलिए इनको जरूरत भी है कि ये रिन्यू आते रहें, कहीं जाए ना वापस आ जाए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जब ही दूसरे हाइड्रोजन को लेके जाएंगे। देखिए ये रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, इस रिएक्शन में ये ओवरऑल एक रेस्पिरेशन का ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि पाइरूविक एसिड को जब डिकम्पोजिशन होता है तो फॉर एनएडी प्लस, ठीक है, एंड फॉर एनएडी प्लस फॉर एफएडी सॉरी फॉर एनएडी प्लस, क्लियर, या पाइरूविक एसिड से इन्होंने स्टार्ट किया है, एक चीज ध्यान रखना, तो मतलब इन्होंने गेटवे रिएक्शन को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो इसलिए वहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो रहा हो, वहाँ पे 3 एनएडी लिखे हुए थे लेकिन एक एनएडीएच2 गेटवे भी बनता है, तो यहाँ पे 4 एनएडी प्लस इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर, एंड 1 एफएडी प्लस सही है, एंड 2S2O, देखिए 2S2O कंफ्यूज मत होइएगा, 2S2O क्या होता है, जो 2S2O एक S2O कहाँ यूज हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम के, याद कीजिएगा एसिटाइल कोएंजाइम के कंडेंसेशन में यूज हुआ था, और दूसरा जो H2O यूज हुआ था मैलिक एसिड के फॉर्मेशन में, क्लियर, सो प्लस ये प्लस एडीपी प्लस पीआई प्लस एटीपी, ओके, एंड यस नहीं सॉरी वो आपका सॉरी वो आपके क्या कहते हैं जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, फिर उससे आपके 3 CO2 बाहर निकलेंगे, फॉर NADH2 वहां से बाहर निकल गया इनक्लूडिंग द गेटवे रिएक्शन, प्लस FADH2 एक आपका बाहर निकल गया, प्लस उससे आपका एक एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी से लिखा हुआ है कि जीटीपी कभी कभी एटीपी में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो कंफ्यूजन कई बार क्या होता है 2S2 में आता है कि ये 2S2 कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि 2S2 यूटिलाइज नहीं हो रहा, 2S2O बेसिकली जो 2S2O है ये 2S2O बेसिकली जो यहाँ पे 2S2O बेसिकली क्या होता है कि ये जो H2O बेसिकली एक कंडेंसेशन में तो यूज होता है और मैलिक एसिड फॉर्मेशन में यूज होता है, क्लियर, और एडीपी यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि एडीपी की जरूरत होती है जब भी तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, क्लियर हो गया,
समरी की बात करें तो मैंने वही समरी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे कि किस किस पॉइंट्स के ऊपर NADH2 फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनता है तो यहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कार्बन नंबर लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, मतलब यहाँ से CO2 भी बाहर निकल रहा है। दूसरा अल्फा ग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है तो NADH2 बनता है। तीसरा सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो GDP से GTP का फॉर्मेशन होता है। यानी कई बार कपल रिएक्शन शो करते हैं तो क्या होता है, GTP से जब GDP बनता है उससे जो एनर्जी है वो ADP लेता है और ATP का फॉर्मेशन करता है, क्लियर। तो कभी कभी GTP की जगह आपको ATP लिखा रहेगा, वैसे आप चाहे GTP लिखे ATP लिखे एनर्जी एक ही, एनर्जी का जो अमाउंट है KCl में वो एक ही होगा। फिर सक्सिनिक एसिड है फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है जब FADH2 का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। फिर मैलिक एसिड है जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है जब आपका NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए ये सब आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये NAD+, NAD+, FAD+, NAD+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये आपको चार तीन जगह तो आपको NADH2 दिखाई दे रहा है और एक जगह आपको GTP का फॉर्मेशन और एक जगह आपके FADH2 का फॉर्मेशन। अगर आप बात करें कि कौन कौन से एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, दो वाटर मॉलिक्यूल आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो रहा है, क्लियर। और जहाँ पे एक आपका कंडेंसेशन हुआ एसिटाइल ग्रुप का और एक्सलो एसिटिक एसिड के साथ में जिसने सिट्रिक एसिड दिया, दूसरा हुआ मैलिक एसिड का फॉर्मेशन फ्यूमेरिक एसिड से। और गेटवे रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे दो मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 के, क्योंकि दो पाइरूविक एसिड आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, क्लियर। क्रैब साइकिल में कौन कौन से एंड प्रोडक्ट थे, फोर मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्योंकि दो जगह से CO2 बाहर निकला था, ठीक है। एक में तो फिफ्थ कार्बन को सिक्स कार्बन को फिफ्थ में कन्वर्ट किया, दूसरे ने फिफ्थ को फोर्थ में कन्वर्ट किया, तो दो पाइरूविक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ था तो चार हो गए, क्लियर। सिक्स NADH2, तीन एक पाइरूविक एसिड के ऑक्सीडेशन से तीन NADH2 बन रहे थे, क्लियर। सो दो से कितने हो गए, सिक्स हो गए। एक से FADH2 बन रहा था एक पाइरूविक एसिड से, दो से कितने हो गए, दो हो गए। टू ATP से दो ATP, GTP कह सकते हो, ATP कह सकते हो, दो कितने मिलेंगे। अगर हम ATP की कैलकुलेशन कर लें तो एक NADH2 तीन ATP देता है हमें पता है, तो यहाँ पे टोटल NADH2 कितने, दो, तो टोटल कितने मिल गए आपको, गेटवे रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो टोटल ATP कितने बन गए, सिक्स ATP गेटवे रिएक्शन बनते हैं। क्रैब साइकिल में बात करें तो दो, क्रैब साइकिल में बात करें GTP या ATP जो भी बन रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल पे दो बन रहे हैं। NADH2 जो बन रहा है आपका, एक NADH2 तीन ATP देता है तो यहाँ पे टोटल सिक्स NADH2 बन रहे हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बन गए आपके 3 × 6 18 ATP। FADH2 बेसिकली दो ATP देगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे। यस, एक क्वेश्चन है 2016 का, पहले आगे जाने से पहले इसको कवर कर लेता हूं मैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट ATP, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP, वो भी बिल्कुल नहीं है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP, वो भी नहीं है, क्लियर। Formation of ATP by energy release from electron removed during the substrate oxidation. Yes. Oxidative phosphorylation क्या होता है कि जब जो आपके NADH2 बनते हैं, okay, ये NADH2 में NADH2 जो बनते हैं, ये NADH2 का oxidation होता है, oxidation और reduction होता है, clear हो गया। Oxidation होता है और साथ साथ reduction भी होता है, जिसमें उनके जो electrons होते हैं बहुत सारे carrier से move करते हैं, और वो जब carrier से move करते हैं तो अपनी energy को रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रैब साइकिल में, सो एक FADH2 क्या दो ATP बना रहा था, तो टोटल FADH2 कितने थे, दो, तो टोटल ATP कितने बन गए, चार, समझ में आ गया, NADH2 से और FADH2 से, क्लियर हो गया। तो अगर आप देखेंगे टोटल ATP प्रोड्यूस इन अ क्रैब साइकिल 24 ATP हो गए, कैसे, चार ATP इन्होंने यहां बनाया FADH2 से, ओके, चार यहां बनाए, क्लियर हो गया, चार ATP इन्होंने यहाँ बनाया। NADH2 से कितने ATP बनाए थे, NADH2 हाँ कितने, सिक्स बने थे, सो 6 × 3 18 ATP, तो 18 ही हो गए, 18 + 4 कितने हो गए, 22, और दो उन्होंने ATP बनाए थे या GTP बनाए थे सबस्ट्रेट लेवल पे, तो टोटल कितने हो गए, 24 ATP। गेटवे रिएक्शन में कितने बने थे, 6 ATP, क्लियर हो गया। तो अगर आप दोनों को पैरुविक एसिड से टोटल क्रैब साइकिल तक, मतलब 30 ATP बने, 6 ATP इसलिए बने ना कि 2 NADH2 निकले से, 1 से 3 बन गए तो कितना होगा, 6, तो टोटल ATP कितने प्रोड्यूस हो गए, 30 ATP, क्लियर हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्रोड्यूस हुए थे, 8 ATP प्रोड्यूस हुए थे। तो मतलब ग्लूकोज का जो पूरा ऑक्सीडेशन होता है, मान के चले कि ये जितने भी NADH2 बने ATS पाथवे में परफॉर्म करेंगे, ओके, क्योंकि अब क्रैब साइकिल चल गया तो अब तो ATS बनेगा ही बनेगा, अब तो ATS चलेगा ही चलेगा, क्लियर।
क्योंकि वो जब भी चलेगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल था, जब भी वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री किया उन्होंने, तो टोटल जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में एटीपी कितने बनते, 38 एटीपी। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने क्या क्या इन्वॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमने इन्वॉल्व कर लिया ग्लाइकोलाइसिस, गेटवे रिएक्शन, क्रैब्स साइकिल और ईटीएस भी, चल ईटीएस भी मान के हम ले रहे हैं, तो 30 एटीपी यहाँ पे बनेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी हमने मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट से हमने क्लियर कर दिए। इसके अलावा अलॉन्ग विद टॉपिक हमने बहुत सारे नेट के क्वेश्चंस भी क्लियर समझ लिए, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती है। सो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी क्रैब साइकिल में थोड़े से कुछ और पॉइंट्स पढ़ने, जो उसकी एम्फिबॉलिक नेचर है वो पढ़ना है हमें, और फिर क्रैब साइकिल खत्म होने के बाद में फिर हम चलेंगे ईटीएस पाथवे के ऊपर। क्लियर? तो फिलहाल जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा। धन्यवाद।